सोलन में इस बार पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नगर निगम हो या जल शक्ति विभाग, दोनों ही पानी देने में असमर्थ हैं। सोलन के वार्ड नंबर 1 में उदय विहार में 10-10 दिन बाद पानी की आपूर्ति लोगों को मिल रही है, जिससे आहत होकर उदय विहार समिति की महिला शक्ति वार्ड पार्षद मनीष सोपाल व उदय विहार समिति के प्रधान RD शर्मा की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर वो उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया गया। हालांकि जल शक्ति विभाग ने अपना रटा रटाया जवाब दे दिया कि 3 से 4 दिन बाद पानी की आपूर्ति दी जाएगी। समिति के सदस्यों ने बताया कि यदि अब ऐसा नहीं होता है तो वो जल शक्ति विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उदय विहार समिति के सदस्यों ने बताया कि उन्हें 10-10 दिन बाद पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग के STO ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 3 से 4 दिन बाद उन्हें पानी की आपूर्ति की जाएगी। वहीं उदय विहार समिति के प्रधान RD शर्मा ने बताया कि जल शक्ति विभाग से कई वर्षों से पानी की आपूर्ति नियमित देने की मांग की जा रही है, लेकिन आश्वासनों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। अब यदि 3 से 4 दिन बाद पानी की आपूर्ति नहीं होती तो विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। आप ही दे रहे हैं सप्लाई, मेन सप्लायर आप हैं, MCO भी आप पानी दे रहे हैं, सिर्फ एक वार्ड नंबर 1 जो विकास मोरा उदय विहार और पाइनसी सोसाइटी, इसमें पानी आपको से नहीं मिलता। जितना मतलब जल्दी हो सकेगा इसमें सुधार लाने की कोशिश। पहले सर हमें 4-5 साल पहले पानी मतलब की 5th-6th डेट पे आ जाता था, फिर भी हम इतना मतलब बोले, पर अब ये देखिए कि 8 परमानेंट कोई आदमी नहीं था। जब उधार का कोई चीज लेनी है ना तो वो ऐसे ही चलती है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आ गया हूँ यहाँ तो मैं सिर्फ इसी सब डिविजन को दे रही हूँ, मुझे और भी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, कमेटी को भी हम पानी दे रहे हैं और सब डिविजनों को पानी दे रहे हैं, लेकिन मुझे अपने जनता का भी टिकट देना पड़ेगा, उसी हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। मुझे बिहार विकास समिति से आई थी और हमारी जो है वो पानी की समस्या चल रही थी, तो अभी हमारी SDO सर से मुलाकात हुई है और उन्होंने हमारी समस्या जो है वो बहुत अच्छे से सुनी है और हमें आश्वस्त करवाया है कि अब अगर आपकी पानी की समस्या की कोई दिक्कत आती है तो खुद हमारे उदय विहार समिति में आके विजिट करेंगे और चेक करेंगे कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रूटीन हमारा जो पानी है वो 8 से 10 दिन में आ रहा है और हमें पानी की बहुत समस्या हो रही है। हमारी समस्या थी कि हमारे यहाँ 10 दिन में पानी आ रहा था, जिससे हमें दिक्कत आ रही थी कि वो पानी हमें 3rd और 4th दिन आना चाहिए क्योंकि बरसातों में पानी की कमी नहीं होती, और ये दिक्कत क्यों आ रही है, डिपार्टमेंट इस पर क्यों नहीं देख रहा है। तो हम STO साहब से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसको देखता हूँ और आप ये कोशिश करता हूँ कि तुम्हें 3rd और 4th दिन पानी मिले। जल शक्ति विभाग में बहुत रिटर्न में हमारी काफ़ी कंप्लेंट है और 4 महीने से तो हमारे को 8वें और 9वें दिन पानी दिया जा रहा है, तो आज हम SDO साहब से दोबारा मिले, महिला शक्ति आई हुई थी उनके साथ आए हैं और SDO साहब ने आश्वासन दिया कि हम आपको 3rd और 4th दिन पानी देने की कोशिश करेंगे। तो ये भी देख लेते हैं, हमारे को आज कम से कम भी कोई 7 साल हो गए जल शक्ति विभाग से लड़ाई करते हुए, हमारे पास इतनी मोटी फाइल है कि वो एक उठाना भी मुश्किल है, जो जल शक्ति विभाग को ही हमने रिटर्न कार्रवाई की है। लेकिन इनका यहाँ पे जब हम लोग आते थे सभी तो हमारे को ये कह के आगे रिपोर्ट दे दी जाती थी कि ये रिटायरी हैं, इनको घर में कोई काम नहीं है और ये उठ के यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे ही। तो अब हमने इसी करके नारी शक्ति को अब आगे किया है, अगर घर में वो ही रहती है, उन्होंने नहीं ये रसोई देखनी है और उनको ही पता है कि पानी चाहिए या नहीं चाहिए। तब तो हमारा फिर यहाँ पे धरना है, बहुत हो चुका है हमारे, और ये आश्वासन ही देते हैं, हमने SC, XC, NSC तक मिलकर देख लिया, तो अब जो है अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे धरना ही देंगे।